नमस्कार, मैं हूँ गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र ग्राम कादराबाद विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में लगी आग से फैक्ट्री मालिक सहित 3 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनका उपचार मोदी नगर के एक निजी हॉस्पिटल में हो रहा है। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सर, क्या मामला है, यहाँ पर आग लगी है? ये अभी सूचना मिली थी कि जैन सिंह के पीछे कादराबाद में फैक्ट्री में आग लगने की सूचना केमिकल की में, तो तत्काल मैं गाड़ी लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। और ये पेंट और अन्य कोई केमिकल है, उसकी फैक्ट्री है, और इसको होम डाल के हमने तत्काल बहुत जल्दी शीघ्र कार्रवाई में, आप मौके पे थे, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको बुझा दिया। इससे हमारे आने से पहले ही इसमें पता लगा 2-3 कोई मालिक या मजदूर हल्के फुल्के झुलस गए हैं, जो हॉस्पिटल पहुँचा दिए गए। गाजियाबाद के गांव की यह तस्वीर है, जहां पर कई तरह की मिर्ची की, टमाटर की खेती की जा रही है। मिर्ची और टमाटर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में फास्ट फूड के खाने में प्रयोग की जाते हैं, किंतु लॉकडाउन के चलते सप्लाई ठीक नहीं हो पा रही है। इस फसल से जुड़े किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। महामारी के चलते जीवन भी बचाना है, रोजी रोटी भी। फसल है, बिकी नहीं फसल, क्या बोल रहे? कुछ नहीं बिका है साहब। कारण क्या रहा, किस कारण से नहीं बिक पा रही? यही लॉकडाउन का कारण रहा, होटल सब बंद है, चाउमीन में चलती है और बड़े बड़े होटलों में जाती है, कहाँ जाए अब ये। तो कितने तरह की मिर्चा आई है तुम्हारी? ये 2-3 तरीके आई, हरी, पीली, लाल। अच्छा, हाँ। तो क्या बाहर विदेश भी जाती है या यहीं पे खपत होती है? यहीं तो मंडी बेचे आते हैं। अब फिर जा नहीं रही अब ये? अब नहीं जा रही है, कब गई नहीं है। तो मंडी, तो मंडी वाले क्या कहते हैं? मंडी वाले कहते हैं हम क्या करें इसका, कहाँ ले जाएं? लागत निकली नहीं निकली? कुछ नहीं निकला साहब, मजदूरी भी ना निकली है, इसमें 10-10 आदमी चले हैं एक एक दिन में, ये लगाने में, पानी में, दवाई में। एक तो लॉकडाउन चल ही रहा, फिर जब मार्केट में रेस्टोरेंट या कोई मार्केट नहीं खुल रही, तो इसीलिए माल नहीं जा रहा। माल, इतना माल हम खपत कहाँ करें, इसीलिए माल तुड़वा नहीं रहे। सारा माल नोकी नहीं, देख रहे हो आप, उधर से यहाँ तक आप देखते आ रहे हो, हर गुल में देखा आप। कितने देर में ये फसल हो जाती है, कितने दिन की फसल है ये? ये करीबन 4 महीना। 4 महीने की, 4 महीने की मेहनत एकदम से बेकार। कितनी लागत आ जाती है इसमें? इसमें काफी लागत आती है वैसे तो। अभी जो लागत लगी थी, क्या उसकी भरपाई हो पाई है? नहीं हो पाई? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। कितने का नुकसान हो सकता है? कम से कम कई लाख रुपए का नुकसान है। गाजियाबाद के मोदी नगर में भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह के प्रतिनिधि विनोद गोस्वामी द्वारा कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को किट वितरित की गई। इस दौरान गोस्वामी जी ने बताया कि दूसरी लहर पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन तीसरी लहर खतरनाक होगी, वह तीसरी लहर का अटैक बच्चों पर होगा, इसलिए प्रत्येक कोरोना योद्धा को इस लड़ाई के लिए मजबूती से तैयार होना होगा। इसी क्रम में कॉलोनियों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर संजय वर्मा, ललित त्यागी आदि को किट दी गई। किट वितरण के दौरान बीजेपी सभासद व अन्य नेतागण मौजूद रहे। थाना कवि नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 शातिर अभियुक्त, 2 किलो 500 ग्राम गांजा सहित किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से संगीन धाराएं दर्ज है। गाजियाबाद के मोदी नगर निष्काम सेवक जत्था की टीम द्वारा आज गोविंदपुरी स्थित शमशान घाट के अंत्योष्टि स्थल पर श्रमदान किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों द्वारा शमशान घाट में बने 8 अंत्योष्टि स्थल को पूरी तरह साफ सुथरा बनाने की सेवा की गई। इस अवसर पर अरविंद सिंह, नरेंद्र तोमर, राहुल बाबा, गौरव शर्मा, नवदीप सिंह आदि अन्य लोगों का सहयोग रहा। गाजियाबाद में राकेश कुमार बने गाजियाबाद के नए DM, अजय शंकर पांडे को बनाया कमिश्नर झांसी मंडल। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।